ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। तो चले गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बस सबसे पहले आप सभी को ना मैं ये बैकग्राउंड दे दूंगा, तो आप सभी को इस बैकग्राउंड को पहले अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे सिंपली परफेक्टली इस तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर लेने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से मॉडल को थोड़ा छोटा करके एंड ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ के ऐसे लगा देना है। एंड उसके बाद कर देना आप सभी को यहाँ पे डन। एंड उसके बाद जाना गाइस आप सभी को ऐड फोटो में। एंड आप सभी को ये मैंने ये वाला पीएनजी दे रखा मनी का, ठीक है, तो ये वाला पीएनजी ले लेना है। एंड इसको आप सभी कुछ इस टाइप से आपको नीचे की तरफ ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है सॉरी इफेक्ट वाले ऑप्शन में, एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को पूरा माइनस कर देना है, और जो सैचुरेशन इसको भी पूरा माइनस कर देना है, एंड जो हाईलाइट है इसको भी आप सभी को थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या, ये नीचे जो शेडो का ऑप्शन दिखता है इसको आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, बाकी आपके इसको आप ऊपर की तरफ रख देना, ठीक है। एंड उसके बाद इतना कर देने के बाद आप सभी को थोड़ा नीचे की तरफ इस तरीके से लगाना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को ऐसे इस साइड को लगा देना है, ठीक है, आप सभी को ऐसे लगा देना है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो इसको ब्लर भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, बट ब्लर नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड आप सभी को मैं एक पीएनजी दूंगा विग्नेट का, ठीक है, तो आप सभी को इस विग्नेट के पीएनजी कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। पूरा स्क्रीन कर दोगे तो लग जाएगा। एंड इसको एक बार डुप्लीकेट करके लगा लेना ताकि डार्क हो जाए नीचे की तरफ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे परफेक्टली डन कर देना है, ठीक है। इतना काम हो गया, अब उसके बाद आप सभी को करना है ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैंने ये पीएनजी दे रखा है, ठीक है, ये मास्क का पीएनजी है, जो कि आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने फेस के पास लगाना है। आप चाहो तो पोज को ये अलग भी कर सकते हो, एंड आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा पोज पसंद है, तो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। एंड चाहो तो ऐसा करोगे तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को फुल करके एंड थोड़ा सा साइज को छोटा करके नीचे से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ताकि जो लगे कि हाँ ये हमने अपने हाथ से ही पकड़ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। एंड आप भी अच्छे से थोड़ा इरेज कर लेना एंड थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो इस तरह कर देने के बाद ऑपोजिट यहाँ पे हम फुल कर देंगे। एंड ऑपोजिट फुल करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे डन। एंड ठीक है गाइस, तो इसका जो ह्यू है बाकी उसको हम लाइट रूम में चेंज कर ही लेंगे। तो अब यहाँ पे हम शेडो बनाते हैं एक, ठीक है। तो ड्रॉ टूल में चलेंगे। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद हम ब्रश पे जाएंगे। ब्रश पे जाने के बाद ऑपोजिट रखेंगे अराउंड 10 या 9 तक। एंड इसके साइज जो है छोटा कर देंगे थोड़ा सा। एंड छोटा कर देने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से आप सभी को अपने हाथ के ऊपर पेंट करना है, यानी कि मतलब कि जैसे हम कुछ चीज़ पकड़ते हैं तो उस पर हमारी शेडो दिखती है, तो कुछ इस टाइप से आप सभी को इसमें शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है, अच्छे से एकदम। एंड आप चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो लेयर से जाके, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे पहले यहाँ पे फोटो को कर देना डन, ठीक है। उसके बाद इतना कर देने के बाद आप सभी को अब यहाँ से क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को पीएनजी ले लेना है, ठीक है। तो पार्टिकल का पीएनजी है, मैंने आप सभी के लिए लिया हूँ मैं गाइस, ठीक है। तो आप सभी को इसको पीएनजी को भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ले लेना। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड इसको आप सभी को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा इसको थोड़ा इस तरीके से रख के, एंड उसके बाद आप सभी यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाना फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को थोड़ी सी ब्राइटनेस को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना रिजर्व टूल में। एंड इन्वर्ट करके आपको ब्रश के साइज को कुछ इस टाइप से रख के, एंड उसके बाद आपको अपनी बॉडी को ऊपर डोजन बन करना है, क्योंकि यार हमारा फेस तो ढक चुका है, तो फेस पर तो डोजन बन कर नहीं पाएंगे हम, तो बॉडी को ऊपर कर लेते हैं जो कि हम हमेशा करते ही हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पे टी शर्ट वगैरह पे भी कर देते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा इतना काम तो हो चुका है, तो अभी हमने इसको यहाँ पे डन कर लिया है। तो अब क्या करना है, मेरा कलर करेक्शन तो फोटो का कर लेता हम यहाँ पे सेफ। एंड चलते हैं ऐसे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा फोटो ऐड हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना, आप सभी को यहाँ पे साइड में आप सभी को एक लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप सभी को इस लाइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद जो है आप सभी को कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को जो है आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, बट इंक्रीज ही करना है, ठीक है। शेडो को कम कर देना है एंड वाइट इसको कम कर देना है। एंड जो ब्लैक है गाइस मेरे ख्याल से इसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए, इसको ऐसे ही रहने देना है। एंड कलर्स में जाना है, वाइब्रेशन को बढ़ा देना, फिर जाना मिक्स में। एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो येलो कलर है इसके भी ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है, ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देना है। देखो गाइस क्योंकि इसका ह्यू जो है हमें ऑरेंज टोन में रखना है, तो इसको ह्यू माइनस कर देना है। एंड सैचुरेशन को प्लस कर देना। एंड ग्रीन कलर में जाना, इसके सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ब्लू कलर में, इसके ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देना है, ठीक है, सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में। एंड जो उसके बाद है आप सभी को फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद जो फोटो में विग्नेट है वो जरूर डालना है, ठीक है, फोटो में विग्नेट डाल देना है। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, एंड ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद थोड़ा सा फिर नीचे वाले टूल में जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है। एंड जो नोट डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो है गाइस कलर नोट डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देना है।
ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो यार शेयर करने में बिल्कुल भी घबराना मत यार, चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।